बेसिकली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन स्टैट्स में से पूछा जाता है अबाउट मीन या डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में. उसके बाद इसमें कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं, कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जो पी वैल्यूज़ होती हैं, ये कोरिलेशन की वैल्यूज़ होती हैं, वो क्या इंडिकेट करती हैं. समटाइम्स डाटा दे दिया जाता है कि ये स्क्यूड है या नहीं है. हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज अबाउट रिसर्च मेथड्स. रिसर्च मेथड्स में हमने जो की टर्म्स पढ़ी थी उनको एक दफ़ा क्विकली की टर्म्स को देख लेते हैं जो हमने रीड की थी. हमने हाइंडसाइट बायस देखा था, अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, हाइपोथेसिस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, थ्योरी, ऑपरेशनल डेफिनेशन, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सैंपलिंग क्या होती है, सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, देन रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड एक्सपेरिमेंट और लेबॉर्टरी एंड फील्ड. एक्सपेरिमेंट की दो टाइप्स होती हैं, एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट लेबॉर्टरी में होता है और एक फील्ड में होता है. तो हमने ये टाइप्स देखी थी. देन कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स. कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स दो तरह के, पार्टिसिपेंट और सिचुएशन रेलिवेंट कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स हमने पढ़े थे. देन हमने रैंडम असाइनमेंट देखी, कंट्रोल्स देखा, कंट्रोल ग्रुप कैसे होते हैं और ग्रुप मैचिंग कैसे की जाती है. देन एक्सपेरिमेंटल बाइस क्या होती है, डबल ब्लाइंड प्रोसीजर देखा, सिंगल ब्लाइंड प्रोसीजर. देन रिस्पॉन्स और पार्टिसिपेंट्स बाइस क्या होता है ये भी पढ़ा. सोशल डिजायरेबिलिटी का कंसेप्ट देखा, हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है. देन प्लेसिबो मेथड को देखा, कोरिलेशंस देखे कि पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होते हैं. और उसके बाद हमने सर्वे मेथड देखा, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया, केस स्टडी मेथड को स्टडी किया, और इसके अलावा हमने रिस्पॉन्स रेट देखा. सो ये वो सारी की टर्म्स थी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी. आज जो हमने देखना है वो हाँ, इसके अलावा मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आपने बताना है कि रिसर्च मेथड टाइप्स और डिज़ाइंस इनमें क्या फ़र्क होता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसमें ये जो टाइप्स हैं इन टाइप्स में हम क्या करते हैं, ये सब आपने बताना था. सो क्वालिटेटिव का हमने काफ़ी ग्रुप में डिस्कस कर लिया था कि ये रिसर्चेस क्या होती हैं और इन क्वालिटेटिव रिसर्चेस में हम किस तरह का डाटा स्टडी करते हैं. और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये हमने ऑलरेडी अपनी जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इन टाइप्स को पढ़ लिया था. देन उसके बाद हमने बात की कि इसमें मिक्स मेथड रिसर्च होता है जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों पार्ट्स को यूज़ करते हैं. तो ये भी ग्रुप में डिस्कस हो गया था कि मिक्स मेथड रिसर्च क्या होती है. ज़्यादातर पीएचडी लेवल में मिक्स मेथड रिसर्च को प्रेफर किया जाता है कि आप क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर जो होते हैं वो जिसका हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकें, और इसके साथ साथ हम क्वालिटेटिव रिसर्च में से ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनका एक प्री रिस्पॉन्स या ऐसे टाइप क्वेश्चन या इंटरव्यूज़ जिसमें से हमने खुद की पॉइंट्स निकाल के उसका उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है और उस पर डाटा कलेक्ट करके उस पर वर्किंग करनी होती है, या उसको हम कह लें कि मेटा एनालिसिस करना होता है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में आ जाती हैं. अब ये मेटा एनालिसिस एक नई टर्म सुन ली, ये क्या होता है, ये होता है कि डिफरेंट स्टडीज़ में जो भी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स निकले थे ना, उन सारे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स को इकट्ठा करके एक अपना कंक्लूजन निकालना, उसको हम मेटा एनालिसिस कहते हैं. वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप है. सो ये हमारे पास रिसर्च मेथड्स टाइप्स और डिज़ाइंस. अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आती है कि रिसर्च मेथड्स कौन से होते हैं, रिसर्च टाइप्स कौन सी होती हैं और रिसर्च डिज़ाइंस कौन से होते हैं. हु कैन टेल मी, कौन बताएगा. हरी अब बी क्विक, अपने माइक ऑन करके जल्दी से बताएं. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम जी मैम. रिसर्च मेथड्स में मैम हमारे पास मेथोडोलॉजीज आ जाती हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव. ये हमारा मेथड है कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं. ठीक हो गया, गुड. या हम क्वांटिटीज पे काम करना चाह रहे हैं या हम कोई कंटेंट या कुछ उसका एनालिसिस करना चाह रहे हैं, वो डिपेंड करता है. ठीक है, ये रिसर्च मेथड हो गया. ठीक, गुड, ओके. तो ये तो हमारे पास आ गया रिसर्च मेथड्स. अब ये रिसर्च टाइप्स क्या हैं या डिजाइंस क्या हैं. फर्दर इसके अंदर हमारे पास रिसर्च की जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, जो आपने पहले भी डिस्कस हमारे साथ की थी, जैसे एक्सपेरिमेंटल है, कोरिलेशनल है, कोजाई है, ये डिजाइंस हैं. ये टाइप्स हैं बेसिकली. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी कि पहले रिसर्च मेथड्स होते हैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव. ये हमारे पास रिसर्च मेथड्स हैं, बेसिक मेथड्स हैं. अब हमारे पास होता है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स. जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो फिर हमारे पास ये जो आपके सामने रिटर्न में नजर आ रहा है आपको, जो क्वालिटेटिव में लाई करता है, जो क्वांटिटेटिव में लाई करता है, ये हमारे पास टाइप्स हैं रिसर्च मेथड्स की, या फिर इसको हम रिसर्च मेथड या रिसर्च डिजाइंस भी कहते हैं.
ठीक है, रिसर्च मेथड क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स मेथड रिसर्च। उसके बाद हमारे पास इसकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं रिसर्च मेथड की टाइप्स, जैसे जो हमने क्वालिटेटिव में यहाँ लिखी हुई हैं या क्वांटिटेटिव में, जो भी आपको रिटर्न में नज़र आ रहा है इसको हम टाइप्स ऑफ मेथड्स भी कहते हैं या फिर रिसर्च टाइप्स भी कह देते हैं या रिसर्च डिजाइंस भी कह देते हैं। तो ये चीज़ें कंफ्यूज़ कर रही होती हैं, तो अब इसमें आपने कंफ्यूज़ नहीं होना है। फर्स्ट मेथड्स होते हैं, फिर मेथड्स की टाइप्स होती हैं, उन्हीं टाइप्स को हम रिसर्च टाइप्स या रिसर्च डिजाइंस कह रहे होते हैं। सो नाउ इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट हमने देखना है, टॉपिक है हमारे पास स्टैट्स। अब स्टैट्स क्या होती है? स्टैट्स को देखते हैं हम, जो इसमें हमने बहुत ज़्यादा स्टैट्स के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, जितनी भी उसमें हम स्टेट्स लगा रहे होते हैं, हमने उनको याद ही करना होता है। बेसिकली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन स्टैट्स में से पूछा जाता है, अबाउट मीन या डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। उसके बाद इसमें कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं, कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जो पी वैल्यूज़ होती हैं, ये कोरिलेशन की वैल्यूज़ होती हैं, वो क्या इंडिकेट करती हैं। समटाइम्स डाटा दे दिया जाता है कि ये स्क्यूड है या नहीं है। तो इस तरह के बेसिक मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत फॉर्मुलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि आपने इसका फार्मूला लगाना है और उसका आंसर मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकालना है या जी और टी स्कोर्स आपने हमें निकाल के देना है, ऐसा कुछ नहीं होता। वैल्यूज़ अगर दी भी होती हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं इसका मीन, मीडियन या मोड फाइंड आउट करें, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी क्या है वो फाइंड आउट करें। और ये जो वैल्यूज़ हैं, ये कौन सा कर्व बनता है, इसे वो एक बेल शेप कर्व होता है, उसके बारे में सुना होगा या देखा होगा, तो वो कौन सा कर्व बनता है। तो बेसिकली ये बहुत बेसिक और मेजर चीज़ें इस स्टैट्स में पूछते हैं। अब स्टैट्स क्या है? साइकोलॉजिस्ट एंड अदर साइंटिस्ट कलेक्ट डेटा। अब ये साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा कलेक्शन के बेस पर वो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। अब ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, इसके जो भी मेथड्स हैं, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होते हैं, हम डाटा को समराइज कर देते हैं, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम इसमें जो हमारे हाइपोथेसिस होते हैं, हम उसको बेसिकली टेस्ट करते हैं कि ये जो हमारा हाइपोथेसिस है ये ठीक है या नहीं है, उसे हमने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है, और अपने उस सैंपल को पूरी पॉपुलेशन पे रिप्रेजेंट करना कि ये हमारा डाटा रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, ये सारा कुछ बेस करता है किस पे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सिर्फ समराइज करके देते हैं आपके डाटा को, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, या उसका मीन, मीडियन और मोड क्या है, या फिर उसका कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्ट्रांग है या वीक है। सो बेसिकली ये चीज़ें हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पता लगती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम इसकी फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। आप अक्सर अगर आपने रिसर्च की है तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल के उसमें एज, किस एज के कितने लोग हैं आपके पास, ऐसे ही होता है ना, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होते हैं कि अगर हमारे पास एज ग्रुप 13 to 19 है, मतलब टीन एज है, तो उसमें कितने लोग आपने जो जिनसे डाटा कलेक्ट किया, कितने लोग हैं जो इस एज ग्रुप के अंदर लाए करते हैं, 10, 15, 20, 25, ठीक है। इसके अलावा एज के बाद आपके जेंडर आ जाते हैं, कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, वो सारा भी आपकी फ्रीक्वेंसी आपको बता देती है कि कितने मेल्स और कितने फीमेल्स हैं आपके पास। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, किस कितने लोगों का कौन सा स्टेटस है, एजुकेशनल लेवल, ये पता लग जाता है। इसके जितनी भी आपकी स्टार्ट की डेमोग्राफिक वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्मली जो हम ज़्यादातर अपनी रिसर्च में यूज़ करते हैं, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल निकालते हैं। अब एक फ्रीक्वेंसी टेबल में एक बात पूछी जाती है कि फ्रीक्वेंसी में जो हम टैली करते हैं वो टैली कैसे करते हैं। अब टैली कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रीक्वेंसी टेबल, यहाँ पे हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये, यहाँ पे क्लास इंटरवल की बात की हुई है, यहाँ बाउंड्रीज बनाई हुई है। हमने इसको अभी छोड़ें क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता। हम बात करें कि टैली की, जैसे मैंने कहा कि 13 से 19 के दरमियान आपके पास अगर 3 लोग लाइक करते हैं तो आप 3 लाइन्स लगाते हैं, इसको कहते हैं टैली करना। अब हमारे पास क्या होता है कि हम टैली करते जाते हैं, अच्छा 1, 2, 3 इसमें लाइक किए, 4 तक तो लाइन्स आती हैं, लेकिन जो 5th लाइन होती है वो इन चारों लाइन्स को क्रॉस कर देती है। तो अब इससे क्या होता है, हमें काउंट नहीं करना पड़ता जब हम क्रॉस करते हैं। दैट इज़, अगर एक ग्रुप है जिसमें क्रॉस हुई हुई है लाइन्स, दैट मीन्स इट्स 5, ठीक है। तो टैली फ्रीक्वेंसी में, ये एक दो बार पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन कि हम जब टैली करते हैं तो उसमें कौन सी लाइन्स जो है वो हॉरिजेंटल होती है या लाइन्स को क्रॉस करती है। तो अब उसमें ऑप्शन थी 2, 4, 5, मतलब कौन सी लाइन क्रॉस करती है, 2nd, 1st, 5th, 7th, ऐसे करके ऑप्शन थी। तो हमेशा 5th लाइन क्रॉस करती है 4 लाइन्स को। सो ये इसका टैली करने का मेथड होता है हमारे
फ्रीक्वेंसी की में, और फ्रीक्वेंसी जैसे बताया कि अगर 13 से 19 का ग्रुप है एज ग्रुप, तो उसमें तीन लोग आ गए। इसी तरह अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, तो इन इंटरवल्स को आप अगर नहीं समझ पा रहे तो हम जस्ट एज ग्रुप्स ले लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत कॉमन है कि हम यहाँ पे एज ग्रुप्स रख देते हैं। दूसरा एज ग्रुप है जो हमारे पास 19 से आगे, मतलब 20 से स्टार्ट हो रहा है, और 20 से स्टार्ट होके वो कहाँ पे आ रहे हैं, 20 से 28 तक ले लें, तो उसमें हमारे पास चार लोग हैं जिनकी ये वाली एज ग्रुप है। तो इसी तरह से हम इस तरह की फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस तरह की फ्रीक्वेंसीज को हम, या फ्रीक्वेंसी टेबल के अलावा हम इसको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसकी दे सकते हैं। सबसे पहली जो होती है वो हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी याद रखें, हमेशा फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास वाई एक्सिस पर आती है। वाई एक्सिस वर्टिकल होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ, या ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन ड्रॉ होती है उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। वो हमेशा वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस क्या होता है, ये टाइम जो हमारा वेरिएबल है जो वेरी कर रहा होता है, उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस पर रखते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल वेरी कर रहा होता है उसे हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं। एक्स एक्सिस क्या होता है, ये एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन में। वर्टिकल जो नीचे से ऊपर जाती है, हॉरिजेंटल जो ग्राउंड के साथ साथ चलती है, दैट इज हॉरिजेंटल और वाई एक्सिस। तो जो वेरिएबल वेरी कर रहा है हमारे पास, वो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पर रखेंगे, और फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पर रहेगी। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, इसमें हम यहाँ पर ग्राफ्स अगर आपको ड्रॉ करने आते हैं तो हम कुछ वहाँ पे डॉट्स लगा देते हैं, और उन डॉट्स में जो जो डॉट्स लगाते हैं उन डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देना, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या फिर इसे हम लाइन ग्राफ भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड पे बार चार्ट या फिर हिस्टोग्राम। बार चार्ट और हिस्टोग्राम में अब क्या फर्क होता है, बार चार्ट में हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी होती है, और जो हमारे पास हिस्टोग्राम होता है इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं एक्स एक्सिस पर। ये इनमें मेजर फर्क है, बार चार्ट में कैटेगरीज होती हैं और हिस्टोग्राम में क्वांटिटेटिव वैल्यूज होती हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक कर रही होती हैं। ठीक है, अब ये देखें, बार ग्राफ में आपको गैप नजर आएगा, दरमियान में गैप है, फौरन से दूसरा स्टार्ट उसके साथ अटैच्ड नहीं है, तो इनमें क्या है, गैप्स हैं इन बार्स के अंदर। और जो हिस्टोग्राम है इसमें कोई गैप नहीं होता, ये बेसिकली ग्रुप्स बने होते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो ये जो इस तरह के ग्रुप्स बने होते हैं उसको हम हिस्टोग्राम की, हिस्टोग्राम जैसे ग्राफ की सूरत में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कोई गैप्स नहीं होते। बार ग्राफ में कैटेगरीज होती हैं एक्स एक्सिस पर, और इसमें गैप्स होते हैं। सो हम फ्रीक्वेंसी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, सबसे पहले हमने देखा कि हम इसको पॉलीगॉन की शेप में, जिसको हम लाइन ग्राफ भी कहते हैं, उसमें डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं, उसकी शेप में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बार चार्ट अगर कैटेगरीज हैं हमारे पास तो हम उसको बार चार्ट बना देंगे। अगर हमारे पास ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के बाद फौरन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसको हम हिस्टोग्राम की शेप में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम कहते हैं पाई चार्ट, ये तो आपने अक्सर देखा होगा पाई चार्ट। इसमें भी क्या होती है, कैटेगरीज होती हैं, और ये पाई चार्ट बेसिकली परसेंटेज को शो करता है कि कौन कितने परसेंट लोग कहाँ किस एरिया में लाए करते हैं, कितने किस एरिया में। जैसे कि यहाँ पर एक सुपर हीरो बैटल विनर्स, जो सुपर हीरोज हैं जितनी भी, उन्होंने बैटल में कितने परसेंट, कौन से हीरो ने विन किया, तो ये पाई चार्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैप्टन अमेरिका ने 19% बैटल्स को विन किया, आयरन मैन ने 27%, सुपरमैन ने 13% और बैटमैन ने 41%। सो ये बेसिकली परसेंटेज बता रहा होता है। ठीक है, पाई चार्ट परसेंटेज की शेप्स में हमें पूरा डाटा कंक्लूड करके दे रहा होता है, तो इसको हम अक्सर सर्कल चार्ट भी कहते हैं। पाई चार्ट को सर्कल चार्ट भी कहते हैं, और इसमें ये जितने भी सेगमेंट्स हैं ये सारे सेगमेंट्स कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओके, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में हम जो डाटा समराइज करते हैं उसमें जो फ्रीक्वेंसीज यूज कर रहे होते हैं उसको कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में हमारे पास थ्री वैल्यूज होती हैं, जिसको हम कहते हैं मीन, मोड एंड द मीडियन। मीन, मोड एंड मीडियन। मीन क्या होता है, बेसिकली तो ये तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी हैं। इन तीनों वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, लेकिन इन दोनों तीनों को मेजर करने का तरीका डिफरेंट है। मीन क्या होती है, ये अरिथमेटिक एवरेज होती है ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास फाइव वैल्यूज हैं, फाइव डिफरेंट वैल्यूज हैं,
उन फाइव वैल्यूज़ को आपने प्लस कर लेना है और उनके नंबर पे डिवाइड कर देना है। कैसे करना है डिवाइड, लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, कितनी हैं, वन टू, क्लास सेंटर वाली लाइन में अगर आप देखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी होगी, एट। अब इनके अंदर क्या क्या नंबर लिखा हुआ है, इन सारे नंबर्स को आपने क्या करना है, प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद आपने इसको 8 पे डिवाइड कर देना है। अब जो आपके पास जो भी वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, मीन वैल्यू, ठीक हो गया। सो ये होगी हमारे पास मीन वैल्यू। अब है मोड। मोड क्या होता है, द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डेटा सेट। ऐसी वैल्यू जो एक से दो बार अपेयर हो डाटा में उसको हम मोड कहते हैं। अभी हम दोबारा उसी एग्जाम्पल में जाते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो दो बार अपेयर हुआ हो, 52, 47, 42, 37, 32, 27, 22 एंड 17। सो इस डाटा सेट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दो बार आया हो या दो से दो बार ज़्यादा दफ़ा इसमें रिपीट हो गया हो, तो हम क्या कहेंगे कि इस डाटा सेट के अंदर कोई मोड नहीं है। लेकिन अगर इसमें एक नंबर, फॉर एग्जांपल 37 है, वो दो बार आ जाता तो हम कहते हैं कि इस डाटा सेट में जो मोड है वो 37 है, क्योंकि वो दो बार अपेयर हुआ है इस डाटा सेट में। सो ये होता है मोड। अब अगर किसी भी डाटा सेट में जो नंबर ऑफ मोड्स हैं वो दो हों, दो वैल्यूज हैं जो जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और वो दो दफ़ा आकर हुए हैं डाटा में, मतलब 37 भी है और 22 भी है, दोनों दो बार पेयर हुए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो इस तरह के डाटा को हम कहते हैं बाई मॉडल, बाई मॉडल। तो यहाँ पे हमारे पास दो मोड्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, दोनों की नंबर ऑफ अकरेंस भी सेम है, तो इसको हम कहेंगे बाई मॉडल। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है द मीडियन इज द नंबर दैट फॉल्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स। मीडियन एक ऐसा नंबर है जो जितनी भी हमारे पास डाटा सेट है उसके बिल्कुल मिड में जो लाई करता है, लेकिन मिड में लाई करने से पहले आपने उस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सीक्वेंस में लाना होता है पहले डाटा को। अब यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है, एक असेंडिंग ऑर्डर में है, 52 से स्टार्ट होकर ये 17 तक जा रही है। अब ये आठ वैल्यूज हैं, आठ वैल्यूज में से अब हम मिडल वाली वैल्यूज कैसे निकालें, मिड में तो टू वैल्यूज आ रही है ना, लाइक 37 एंड 32। अगर ये ऑड नंबर होता, सेवन होता, फिर तो हम मिड वाला आराम से जो दरमियान में आता वो हमारे पास मीडियन हो जाता, लेकिन अगर हमारे पास डाटा इवन में हो तो दरमियान में फिर टू वैल्यूज आ जाती हैं। अब उन टू वैल्यूज में से हम मीडियन कैसे निकालें, सिंपल इज दैट उन दोनों वैल्यूज को आप प्लस करें और टू पे डिवाइड कर दें। अब जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज द मीडियन, ठीक हो गया। अब क्या होता है, दीज स्टेटिस्टिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नॉर्मल कर्व। अब ये जितनी भी हमारे पास स्टैट्स होती हैं, मीन वैल्यूज़ और उसके बाद उसकी जो बाकी स्कैटर्ड वैल्यूज होती हैं वो कहाँ पे जाके लाई कर रही हैं, तो इसको इन सारे रॉड्स को मिलाने से अगर वो बिल्कुल ठीक है, डाटा नॉर्मल है, तो एक नॉर्मल कर्व बनेगी, जिसे हम बेल शेप, एक बेल शेप जैसी कर्व बन जाएगी। तो इसे हम कहते हैं कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें जो मीन, मीडियन और मोड हैं ये भी आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं ऑलमोस्ट, तो फिर हम इस तरह के डाटा की नॉर्मल कर्व बनती है। अब इसमें इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज होती है कि जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर है ना, लार्जेस्ट नंबर है आपके डाटा में, उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को आपने माइनस कर देना है, तो हमारे पास रेंज आ जाती है। अगेन इसी एग्जाम्पल में जाते हैं, हमारे पास लार्जेस्ट एग्जाम्पल नंबर है 52 और बिल्कुल स्लोएस्ट जो बिल्कुल छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है इस डाटा में, वो है 17। तो 52 में से हम 17 को माइनस कर देंगे तो वो अब हमारे पास जो रिजल्ट आंसर आएगा दैट इज द रेंज, इसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर माइनस द स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर में से आपने स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देना है। अब अगर आपके पास आ जाता है MMM, देन अगेन MM, तो ये क्या है, तो ये सारे MMM क्या है, मीन, मीडियन एंड मोड मेजर्स द मिडल। तो ये फर्स्ट वाले 3M मीन, मीडियन, मोड और आगे वाले 2M मेजर्स द मिडल, ओके। अब तो मीन, मीडियन और मोड के बाद हमारे पास ये भी, हमें ये भी बताना होता है कि इसमें जो बाकी वैल्यूज हैं वो किस तरह से वेरी कर रही हैं, क्योंकि मीन, मीडियन, मोड तो हमें जस्ट सेंट्रल नंबर बता रहा है, बाकी वैल्यूज के बारे में नहीं बता रहा कि वेरिएबिलिटी क्या है बाकी नंबर्स की, कि इस मीन्स के आगे पीछे कितने, किस तरह से नंबर्स हैं, क्या बहुत दूर है। मीन हमने फाइंड आउट कर लिया है 10, जबकि जो अगर हम इसकी वैल्यू देखें जो इससे काफ़ी दूर जाके लाइक कर रही है एक ग्राफ के अंदर, वो है 1, 2 या फिर 9 और 8। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, जो मीन के आगे पीछे होते हैं, उनको हम कहते हैं
वेरिएबिलिटी के नंबर्स में जो हमारे पास डाटा सेट है उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है, कितना डिफरेंस है उनका मीन वैल्यू से। तो वो हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होती है वेरिएबिलिटी और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरिएबिलिटी हमें तो एग्जैक्टली बता देती है कि हमारा जो नंबर्स हैं एक सेट के अंदर वो एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं। वेरिएबिलिटी सिंपली ये चीज़ बताती है कि एक डाटा सेट के अंदर जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं या कितना एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, उनमें डिफरेंस कितना है। ये तो वेरिएबिलिटी होगी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये क्या होता है कि ये जो भी नंबर्स जो मीन के अलावा आपस में इसके बाहर बाहर जितने भी नंबर्स हैं मीन के अलावा जो बाकी डाटा सेट में जितने भी नंबर्स हैं उनकी बेसिकली ये एवरेज बताता है कि ऑलमोस्ट एवरेज इतना डिफरेंस है, तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल एक स्विमर है, तैराकी करना चाहता है और उसको जिस जगह पे उसको तैरना है स्विमिंग करनी है वहाँ पे उसको कहा गया है कि ये जो एरिया है यहाँ इसकी मीन वैल्यू इतनी है, मतलब उसके दरमियान में खड्डे भी हैं पहाड़ियाँ भी हैं, पहाड़ियाँ ऊंची होती हैं खड्डे गहरे होते हैं। तो अब उस पर्सन ने उस पानी के अंदर तैराकी करनी है, अब उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि उसको किस लेवल पे तैरना है। अगर हम उसको स्टैंडर्ड एविएशन बता देंगे वो स्टैंडर्ड एविएशन एक एवरेज वैल्यू बता दिए कि ऑलमोस्ट इतना एवरेज है कि इस लेवल पे खड्डे और जो पहाड़ियां हैं उनका तकरीबन इतना एवरेज वैल्यू है, सबको प्लस किया उसमें डिवाइड कर दिया और एक एवरेज वैल्यू निकाल दी। लेकिन अब अगर वो एक अच्छा स्विमर है और उसको इन सारी बारीकियों का पता है कि अगर वो एवरेज पे तैरेगा तो उसकी तो टक्कर आगे जाके किसी पहाड़ी पे हो सकती है, खड्डों से तो वो बच जाएगा लेकिन पहाड़ियों से उसकी टक्कर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने एवरेज बता दिया उसको, स्टैंडर्ड एविएशन बताया है। अब वो स्विमर क्या होगा, वो उसे पूछेगा कि आप स्टैंडर्ड एविएशन ना बताएं, मुझे आप वेरिएबिलिटी बताएं, वेरिएबिलिटी कितनी है प्लस माइनस में। अब वो वेरिएबिलिटी जब बताएंगे अब उसको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि हाँ इसकी जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई इतनी है, तो मुझे जब तैरना है मुझे इस पहाड़ी से ऊपर थोड़े लेवल पे तैरना है ताकि मैं अगर उसके नीचे हुआ तो मेरी पहाड़ी से टक्कर हो जाएगी अगर नजर ना आई तो। मुझे कम टाइम में ये पूरा जो स्विमिंग है इसको ख़त्म करने के लिए मुझे उस पहाड़ी से ऊपर वाले लेवल पे तैरना है। सो दैट्स वाई वो वेरिएबिलिटी फाइंड आउट करेगा कि वेरिएबिलिटी बताएं कि वो कितना वेरियंस है वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है, पहाड़ी और खड्डे में कितना डिफरेंस है, पहाड़ी कितनी ऊंचाई पे और खड्डा कितनी गहराई में है, दैट इज़ द वेरिएबिलिटी। इज दैट क्लियर? जहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, अक्सर लोग पूछते हैं कि वेरिएबल और स्टैंडर्ड डेविएशन में फ़र्क क्या होता है बेसिकली। यहाँ पर एक और एग्जांपल है। आपके पास एक डाटा सेट है जिसका जिसकी मीन वैल्यू है 100। इफ मोस्ट ऑफ दोज नंबर्स आर क्लोज टू 100 से रेंजिंग फ्रॉम 95 टू 105। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसका मीन तो 100 है लेकिन इस डाटा सेट की जो रेंज है ना वो 95 से 105 तक है, तो अब क्या हो गया हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बहुत स्मॉल होगा, जो हम इसके 95 से 100 के दरमियान में जो भी डाटा है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं बहुत स्मॉल है क्योंकि बहुत करीब करीब वैल्यूज है ना, 100 है, अगर उसकी हम लोअर रेंज देखें तो 95 है, हायर रेंज देखें तो 105 है, जैसे मैंने आपको उस डाटा सेट में भी दिखाई। तो लेकिन अगर हमारी मीन वैल्यू 100 है और उसकी जो रेंज है नंबर्स की रेंज जो हमारे पास पूरा डाटा सेट है वो 50 से स्टार्ट होता है और 150 तक जाके वो एंड होता है, अब क्या होगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत लार्ज है, मतलब डाटा सेट जो इसका मतलब है बहुत करीब करीब नहीं है डाटा, उनमें काफ़ी फर्क है। एक स्टूडेंट के 100 मार्क्स आ रहे हैं, एक के 60 आ रहे हैं, एक के 40 आ रहे हैं, एक के 20 आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया मीन वैल्यू से तो बहुत दूर है ना, सब दूर दूर हैं, तो हम इसकी एक मीन वैल्यू निकाल के वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मीन तो नहीं होगा जो उस डाटा को बता रहा है कि ये डाटा सेट की ये मीन वैल्यू है, जबकि उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत लार्ज है। हाँ अगर एक स्टूडेंट के 98 आ रहे हैं, फिर 97 है, 96 है, 95.5 है, तो ये वैल्यूज बहुत करीब करीब होती हैं, तो इनका अगर मीन वैल्यू निकाल भी लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड डेविएशन काफी स्मॉल होता है। अब हमारे पास क्या होता है जब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करते हैं कि जब हम इनका कर्व बना रहे होते हैं ना, तो हमारे पास कुछ इस तरह के कर्व्स आते हैं, ठीक है, नॉर्मल तो है, मीन हमारा मिड में आ रहा है, मीन मीडियन मोड सब दरमियान में, इसके भी दरमियान में, लेकिन ये इतना ऊंचा क्यों है और ये इतना नीचे क्यों है, इसको क्या कहते हैं?
अब ये इस तरह का कर्व क्यों बनता है? अब ये वाला जो हमारे पास जो थोड़ा स्मॉल है ये हमारा लेफ्ट साइड का कर्व है, और ये जो टॉल है ये हमारा राइट साइड का कर्व है। जो हमारा कर्व लेफ्ट साइड पर है वो शॉर्टर है, वाइडर भी है देन द कर्व ऑन द राइट, बिकॉज द कर्व ऑन द लेफ्ट हैज़ अ बिगर स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बिगर होता है तो ये इतना ज़्यादा टॉल नहीं होता, शॉर्ट होता है और ये काफ़ी फैला हुआ होता है। ये कब होता है? जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, बिगर होता है। और यही स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारे पास स्मॉल हो तो फिर हमारे पास कर्व ऐसा बनता है, ठीक है, ये टॉल बनता है जैसे हमें राइट साइड पे नजर आ रहा है। अब इन कर्व्स के भी नाम होते हैं, किसी को पता है इनके नाम? चलिए मैं आपको इनके नाम दिखाती हूँ। अब ये जो हमारे पास कर्व्स होती हैं ये बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होती है स्क्यूनेस और दूसरी होती है कर्टोसिस। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, किसको पता है इन दोनों टर्म के बारे में? कोई बता सकता है? माइक ओपन करके मुझे बताएं इनमें क्या फर्क होता है, जल्दी से। नहीं पता, किसी को नहीं पता? ये पेपर में क्वेश्चन आता होता है अक्सर, पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड में क्या फर्क है, कर्टोसिस ये जो डाटा है ये कर्टोसिस है या स्क्यूनेस है, तो ये वहाँ पे बतानी होती है फिर। यहाँ पे मैं आपको यहाँ इस शेप से समझाती हूँ स्क्यूनेस का क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की स्क्यूनेस होती है, या तो पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है, कि जो डाटा सेट होता है वो किसी एक तरफ ज़्यादा होता है, या तो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होता है, मीन की लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होता है, या मीन के राइट साइड पे ज़्यादा होता है। सो ये हमारे पास लेफ्ट साइड में ज़्यादा है या फिर राइट साइड पे ज़्यादा है, सो ये होती है स्क्यूनेस, पॉजिटिवली स्क्यूड या फिर नेगेटिवली स्क्यूड, कि डाटा किसी एक तरफ लीव कर जाता है। और ये होती है कर्टोसिस। कर्टोसिस हमारे पास तीन तरह की होती है, पॉजिटिव, नॉर्मल एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कर्टोसिस मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत स्मॉल स्मॉल होती है ना, तो दैट मींस कि अच्छा डाटा है हमारे पास, हमने एक अच्छा डाटा सेट कलेक्ट किया हुआ है, तो हमारे पास जब पास पास होंगी तो डेफिनेटली द कर्टोसिस इज पॉजिटिव। और अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज बहुत दूर दूर फैली हुई हैं, मीन वैल्यू से बहुत दूर करके लाई करती हूँ, उनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, इसको हम कहते हैं नेगेटिव कर्टोसिस। वो कुछ इस तरह प्लेट प्लेट टाइप होता है ना, ऐसे नीचे शॉर्ट भी होता है और कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ होता है, प्रॉपर बेल शेप नहीं होती। अब ये जो प्रॉपर बेल शेप होती है जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यूज़ हैं वो मीन से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं है, और उनकी रेंज भी एक्सेप्टेबल है, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल कर्टोसिस। अब इन कर्टोसिस के नाम होते हैं, पॉजिटिव कर्टोसिस को हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं मेसोकर्टिक, मेसोकर्टिक। और नेगेटिव कर्टोसिस को हम कहते हैं प्लेटोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक, प्लेटिकर्टिक। अब नाम से सोचें कि एक प्लेट की तरह ही होता होगा। नेगेटिव कर्टोसिस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज दूर दूर होती हैं, रेंज इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये प्लेट की तरह होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया प्लेटिकर्टिक। लेप्टोकर्टिक क्योंकि ये लीप कर गया है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा, एक पहाड़ी की शेप में बन गया है, दैट्स वाई वी आर सेइंग इट लेप्टोकर्टिक। तो इस तरह की कुछ रिसेम्बलेंस के साथ आप इसको याद करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देन मेसोकर्टिक। अब प्लेटी और लेप्टो के बाद जो रह गया है वो मेसोकर्टिक रह गया, सो हम इसको इस तरह से याद करेंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास टर्म रह जाती है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कि ये भी क्या होता है, ठीक हो गया। ये होती है हमारे पास परफेक्ट नॉर्मल कर्व होती है, जिसमें मीन मीडियन मोड बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और ये प्रॉपर एक नॉर्मल कर्व बन रही होती है। अब यहाँ पे एक टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है नंबर्स की, अबाउट 60% ऑफ ऑल स्कोर्स आर विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन, वन स्टैंडर्ड डेविएशन और बिलो या अबव द मीन,
अगर 68% हमारा स्कोर ऐसा होता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है 68% डाटा, या फिर हमारे 68% रिजल्ट हमारा सिग्निफिकेंट होता है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन, एक स्टैंडर्ड डेविएशन के या तो वो अबव लाई कर रहे हैं मीन से या फिर मीन से नीचे। अब इसमें आप अक्सर सुनते होंगे कि हम इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल रखते हैं 95% का। अगर 95% है हमारे पास, 68% नहीं है 95% है, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास दो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन ये दरमियान में है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन इधर है और एक इधर है, एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पर है। 95% का मतलब ये कि हमारा जो भी डाटा है वो 95% रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को, लेकिन इसमें 5% एरर हो सकता है। अब उस 5% एरर को हम 2.5 राइट साइड पे कर देते हैं और 2.5 हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है, क्योंकि 100% तो कुछ भी नहीं होता, थोड़ा बहुत एरर होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल रख देते हैं या 98% का कॉन्फिडेंस इंटरवल रखते हैं। इस इंटरवल का मतलब है कि 5% हमारे जो डाटा है या हमारा जो भी रिजल्ट है उसमें 5% ऐसे चांसेस हैं कि ये रिजल्ट बाय चांस अकर हुआ है, ठीक है, या 5% इसमें टाइप 1 एरर के चांसेस हैं। अब ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स भी होती हैं, ये हम नेक्स्ट देखेंगे। ये इस तरह की कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं चाहते। जो यहाँ पे ये शेप बनाई है, मीन वैल्यू को हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं, ये एक यू शेप नज़र आ रही है, पॉपुलेशन का मीन म्यू से ज़ाहिर करते हैं जो एक यू टाइप एक साइन होता है, और जो सैम्पल का मीन होता है उसे एक्स बार, एक्स लिख के उसके ऊपर लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं हॉरिजॉन्टल छोटी सी लाइन, तो उसे एक्स बार कहते हैं, वो मीन का सैम्पल का मीन साइज होता है, ठीक हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होगा कि उसका उसको हम सिग्मा से शो करते हैं। यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को एक दफ़ा फिर से समझ लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास 1000 सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेंट हैं और उसमें हम उनका रिएक्शन टाइम नोट कर रहे हैं, और रिएक्शन टाइम जब हमने नोट किया तो उसमें हमारे पास जो मीन वैल्यू आई है वो आई है कितनी, 1.3 सेकेंड्स, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया है 0.2 सेकेंड्स। अब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ये जो भी वैल्यू आती है ना, इसे मीन वैल्यू में से प्लस और माइनस कर देते हैं। अगर हम इसे 1.3 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.1। हम कह रहे हैं कि जो इसके मीन के जो हमारे डाटा सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से कितना वेरी कर रही हैं, 1.1 एक दूसरे से वेरी कर रही हैं, और अगर हम उसकी अपर साइड पे जाएं तो वो 1.5 वेरी कर रही हैं वैल्यूज़ एक दूसरे से, ठीक है। मतलब 1.3 है तो 1.1 होगी अगर हम 0.2 माइनस कर देते हैं उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को, मीन में से माइनस करते हैं तो लोअर साइड पे 1.1 आती है, और अपर साइड में अगर 0.2 को प्लस कर देते हैं मीन में तो 1.5 हमारे पास वैल्यू आती है। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मीन में से प्लस माइनस करके हम उसकी ऊंचाई और गहराई का अंदाज़ा लगा रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी स्विमिंग की। इसी तरह अगर हमारे पास वेरिएंस अगर हम पूछते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेके उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ना, तो अब वेरिएंस में हमारे पास जो भी वैल्यूज आएगी वो डेफिनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा होगी, तो काफ़ी तो नहीं है, थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। उस वेरिएंस की वैल्यू को जो स्विमर होगा वो मीन वैल्यू जो उसको बताई गई है उसमें से वेरिएंस को प्लस माइनस करेगा, फिर उसे पता लगेगा अच्छा खड्डा जो है वो मैक्सिमम कहाँ पर जाके है और जो उसकी पहाड़ी है पानी के अंदर वो कितनी ऊंचाई पे है। तो जब उसके पास ये लोअर और अपर वैल्यूज आ जाती हैं फिर अब वो डिसाइड करता है कि अगर उसकी पहाड़ी की ऊंचाई 1.5 फुट है तो मुझे डेफिनेटली 1.7 फुट ऊपर मुझे तैरना है, या फिर मुझे ये जो पानी की टोटल गहराई है उसमें से हम 1.7 को माइनस करेंगे और फिर उतनी जो भी हमारे पास बाकी लेवल बच जाएगा उस लेवल पे हम तैरेंगे। सो ये होता है बेसिकली कि हम वेरिएंस से हमें कैसे पता लगता है कि हमें इतनी ऊंचाई पे तैरना चाहिए, क्योंकि वेरिएंस हमें एक एग्जैक्ट नंबर बताता है जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज नंबर बताता है। ठीक हो गया। सो आई होप कि ये मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है हमारे पास परसेंटाइल, एक कंसेप्ट पूछा जाता है परसेंटाइल। अब आपको परसेंटाइल बता दी जाती है तो उसमें अब आपको बताना होता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी बच्चे आपके रिजल्ट्स में लिखा होता है 85th परसेंटाइल, इसका मतलब है कि 85% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे ज़्यादा स्कोर आपने लिए हैं, ठीक है।
85% स्टूडेंट से ज़्यादा स्कोर आपके हैं। अगर यही 40th परसेंटाइल है, दैट मीन्स कि 40% स्टूडेंट से ज़्यादा स्कोर्स आपके हैं। सो दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ परसेंटाइल। परसेंटेज इज समथिंग डिफरेंट एंड परसेंटाइल इज समथिंग डिफरेंट। तो ये हमें बताती है कि एग्जैक्टली हम कितने स्टूडेंट्स से ज़्यादा हाई स्कोर हैं हमारे, कितने स्टूडेंट्स से नहीं, कितने परसेंट स्टूडेंट्स से। ठीक है, अब हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हमारे पास एक पॉजिटिव स्क्यू होता है और एक नेगेटिव स्क्यू होता है। स्क्यूनेस की दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड। अब ये क्या चीज़ें हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब ये है कि जो ज़्यादातर वैल्यूज़ हैं वो लोअर एंड पर हैं। याद रहे कि जहाँ से हम डाटा प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं वो हमारे पास लोअर एंड होता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तो चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। लेट मी शो यू अ ग्राफ फॉर एग्जाम्पल। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये देखें 350 हमारे पास लोअर एंड है। हम पहले हमेशा लोअर रखते हैं, कभी भी हम हाई वैल्यू से स्टार्ट नहीं करते। तो 350, 450, 550 ये इसी तरह इंक्रीज होता होता कहाँ पे जा रहा है, 1150 पे। तो ये हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये क्या है, लोअर एंड है। और जो बिल्कुल एंड वाला पॉइंट होता है हमारी राइट साइड पे, इसको हम कहते हैं हायर एंड। ठीक है, लोअर एंड एंड हायर एंड, इस चीज़ को जहन में रखना है। अब आपने इसको जहन में रखते हुए अब आपने देखना है पॉजिटिव स्क्यू और नेगेटिव स्क्यू क्या होता है। पॉजिटिव स्क्यू में कह रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादातर ऐसी वैल्यूज़ हैं, मतलब हाई वैल्यूज़ ऐसी हैं जो लोअर एंड पर हैं। ठीक है, शुरू होते ही आपके पास एक ऐसा बच्चा आ जाता है जिसके बहुत हाई स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वाई एक्सिस पे कुछ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से हमने यहाँ पे भी नंबरिंग की होती है, कुछ हमने एक्स एक्सिस पे भी नंबरिंग की होती है। तो अब यहाँ हम जहाँ कर रहे हैं तो कुछ ने 2 पे यहाँ पे स्कोर आ गया, 3 पे आ गया, 4 पे आ गया। ठीक है, मीन वैल्यू तो अब कहीं दरमियान में होती है, यहाँ कहीं दरमियान में होगी ना मीन वैल्यू, और इसमें भी मीन वैल्यू यहाँ कहीं दरमियान में होती है। अब मीन वैल्यू से पहले लोअर एंड पे आपके पास ज़्यादा हाई वैल्यूज़ आ जाती हैं, और जहाँ आपका जैसे जैसे हायर एंड आता जाता है आपके पास ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जिनकी जो बहुत लो स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है कि राइट साइड पे एक टेल बन जाती है, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड। अब ये क्या होता है कि ये जब हमारे पास लार्ज वैल्यूज़ आ जाती हैं लोअर एंड पे, और लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी होती हैं जो काफ़ी लो होती हैं लेकिन ज़्यादा होती हैं, ये तो अचानक से कर बन गई और अचानक से वैल्यू सारी डाउन आ गई, तो क्या हो गया, हमारे पास एक टेल बन गई है पॉजिटिव टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। ये हमारे पास पॉजिटिव एंड होता है ना, कि आपके पास ये हायर हायर इनकम होती जा रही है, पहले लो थी फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकम हाई हो रही है। तो ये ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ही सारे कम हो गए, सो हमारे पॉजिटिव एंड पे टेल बन जाती है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। नेगेटिव स्क्यूड इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, इसमें जो ज़्यादातर वैल्यूज़ होती हैं हाई वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास हायर एंड पे होती हैं। ये हमारे पास हायर एंड है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में दिखाया, ज़्यादा वैल्यूज़ कहाँ पे हाई वैल्यूज़ होती हैं वो हायर एंड पे हो जाती हैं, और जो स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास लोअर एंड की तरफ आ जाती हैं। तो यहाँ पर टेल कहाँ पे बनती है, हमारे पास लोअर एंड की तरफ टेल बन जाती है, सो इसे हम कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना है आपने, पॉजिटिव स्क्यू में जो हाई वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पे आ जाती हैं आपके पास लोअर एंड पे, और नेगेटिव स्क्यू में हाई वैल्यूज़ कहाँ पे होती हैं हायर एंड पे। इसके अलावा पॉजिटिव स्क्यू में जो टेल है वो राइट साइड पे बनती है, नेगेटिव स्क्यू में टेल आपकी लेफ्ट साइड पे बनती है। सो हम इसको भी याद रख सकते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेफ्ट हैंड को कह लें आप, लेफ्ट हैंड को क्या कहेंगे, नेगेटिव, और राइट हैंड को पॉजिटिव। ठीक है, इससे भी रिजेम्बलेंस कर सकते हैं ना हैंड्स के साथ, पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड और नेगेटिव मीन्स लेफ्ट हैंड। पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड, टेल बन रही है राइट साइड पे, और नेगेटिव मीन्स लेफ्ट हैंड और टेल बन रही है लेफ्ट साइड पे। सो ये थोड़ी रिजेम्बलेंस होगी, तो हमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यू जो है ना ये हमें याद रखना इजी हो जाएंगे इससे। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन अगर पूछे भी जाते हैं तो वो कुछ ट्रिकी होते हैं, कुछ वैल्यूज़ देके पूछ लिए जाते हैं कि अब उसको आपने खुद आइडेंटिफाई करना होता है, उसका ग्राफ बना के, कि अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं वाई और एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो ये वैल्यूज़ कहाँ जाती हैं, कौन सी वैल्यूज़ कहाँ लाई कर रही हैं,
तो ये कौन सा स्क्यू बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है। तो वो कुछ ट्रिकी, अगर ट्रिकी टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने इसको बता देना है, लेकिन अगर सीधा सीधा पूछ लेते हैं तो वो आपको पता है कि पॉजिटिव कब बनता है और नेगेटिव कब बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ यहाँ पे एक टर्म बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स अराउंड द मीन। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब जो वेरिएशन होता है इसमें से आप एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर, ये वर्ड निकालते हैं तो वो आपके पास वेरिएशन की डेफिनेशन आ जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स अराउंड द मीन एंड वेरियंस मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स अराउंड द मीन। सिंपल, ठीक है। इसी तरह जब हम कोरिलेशनल डाटा पे देखते हैं तो हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी होती हैं जिसमें हम एक वेरिएबल को दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसको हम आर से शो करते हैं, ठीक है। अगर स्मॉल आर लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं आपसे। अगर कैपिटल आर लिखा होता है दैट मीन्स कि वो आपसे रिग्रेशन पूछ रहे हैं। तो इन दोनों की ये जो रिटर्न टर्म्स है ना, ये थोड़ी डिफरेंट होती है। कैपिटल आर मीन्स आपसे रिग्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं, और अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्मॉल आर लिखा हुआ है दैट मीन्स कोरिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं। अब ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? अब इसमें हमारे पास हम रिलेशन बताते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उसमें डिग्री क्या है और डायरेक्शन क्या है रिलेशनशिप की टू वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स की रेंज होती है प्लस वन से माइनस वन की तरफ, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये साइन होता है प्लस और माइनस का, ये होती है रेंज। इसमें हम बताते हैं कि जो कोरिलेशन है इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है मतलब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसके अलावा हमारे पास नंबर्स भी होते हैं 0 to 1, इसमें प्लस माइनस नहीं होता, जस्ट 0 to 1 एक रेंज होती है। इससे हमें ये पता लगता है कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। प्लस और माइनस में जो आपको वैल्यूज बताई हुई होती हैं वो एक रेंज होती है, जिससे हमें ये पता लगता है कोरिलेशन की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसके अलावा हमारे पास एक दूसरी वैल्यू होती है जिसको 0 to 1 होती है, 0 और 1 के दरमियान कोई भी हो सकती है। इससे हमें पता लगता है कि उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है, एक स्ट्रांग रिलेशन है या वीक रिलेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म यूज होती है पीयरसन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। अब ये पीयरसन कोरिलेशन पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पीयरसन कोरिलेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। और इसमें जो हमारे पास स्केल्स होते हैं जो इसको मेजर कर रहा होता है वो भी 1 to 0 तक होता है या फिर -1 तक होता है। अगर हमारे पास इसमें रिजल्ट आता है -1 तो इसका मतलब है 1 इंडिकेट्स अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब अक्सर जो दो वेरिएबल सेम सेम होते हैं, एक आपके पास हॉरिजेंटल वेरिएबल है, एक आपके पास वर्टिकल है, आप कोरिलेशन के टेबल आपने देखे होंगे, तो जो सेम सेम वेरिएबल्स होते हैं ना, जहाँ भी आपका सेल्फ एस्टीम है ऊपर भी आपने सेल्फ एस्टीम लिखा हुआ है, तो उन दोनों का जो मैच होता है ना नीचे, उसके नीचे 1 लिखा होता है। उस 1 का मतलब होता है कि ये जो वेरिएबल है ना ये आपस में परफेक्टली कोरिलेटेड है। वो अक्सर 1 लिखा होता है, वो आप सबने देखा होगा। उस 1 का मतलब ये होता है कि सेल्फ एस्टीम के साथ ही परफेक्टली कोरिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे वेरिएबल्स के साथ भी उनकी वैल्यूज बताई हुई होती हैं, क्या क्या वैल्यूज हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि अगर हमारा वेरिएबल x पर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो वेरिएबल या एट्रीब्यूट जो y पर है वो भी उसके साथ इंक्रीज हो रहा है। सो बेसिकली ये यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस बता रहे हैं। एंड -1 इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेट। -1 का मतलब है कि वो प्लस में वैल्यू है या माइनस में है, दोनों का मतलब ये है कि दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। प्लस का मतलब है कि पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहा है, एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, और माइनस का मतलब है कि एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन। तो ये अक्सर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि प्लस माइनस जो वैल्यूज होती हैं इनमें क्या फर्क है, -1 का क्या मतलब है और +1 का क्या मतलब है। डायरेक्ट नहीं पूछते कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, वो आपसे पूछते हैं प्लस माइनस कोरिलेशन का क्या फर्क होता है। तो अब आपने यहाँ पे बताना होता है कि +1 मीन्स पॉजिटिवली कोरिलेटेड, 1 एट्रीब्यूट इज इंक्रीजिंग एंड देन द अदर एट्रीब्यूट विल आल्सो इंक्रीज, एंड -1 मीन्स नेगेटिवली कोरिलेटेड द एट्रीब्यूट्स आर, इफ 1 एट्रीब्यूट इज इंक्रीजिंग देन द अदर एट्रीब्यूट विल डिक्रीज। दैट इज मीन बाय मीन ऑफ दैट इज द मीनिंग ऑफ माइनस वैल्यूज।
और अगर हमारे पास ये कोरिलेशन जीरो आ जाता है, दैट मीन्स द एट्रीब्यूट्स आर नॉट रिलेटेड, ये एट्रीब्यूट आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे। तो जब भी हम आपस में कोई स्टडी कर रहे होते हैं, कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, उसकी पायलट स्टडी करते हुए एक तो हम उनकी रिलायबिलिटी फाइंड करते हैं, दूसरा हम उनका कोरिलेशन भी चेक करते हैं उस पायलट स्टडी में कि ये वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर तो वो -1 या +1 में वैल्यूज आ जाती हैं तो दैट मीन्स कि ठीक है, हमारे वेरिएबल्स ठीक हैं, इनका आपस में रिलेशन है। लेकिन अगर जीरो आ जाए दैट मीन्स कि ये हमने जो वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए ये तो आपस में कोरिलेट ही नहीं कर रहे, तो हम इस पर फर्दर एनालिसिस कैसे करेंगे। सो हम फर्दर एनालिसिस कैसे करते हैं, हम इस जीरो को ओवरकम करने के लिए हम उसमें मीडियंस मॉड्यूलेटर्स या मीडिएटर्स अंदर रख लेते हैं कि अगर इस वेरिएबल के साथ ये वाला मीडियन या मॉड्यूलेटर हम रख देंगे तो फिर ये दोनों वेरिएबल मिलके डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम इस जीरो को ओवरकम कर सकते हैं अगर हम उन्हीं वेरिएबल्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर जस्ट दो ही वेरिएबल्स हैं, कोई मॉड्यूलेटर मीडिएटर नहीं है, तो फिर हमें वेरिएबल्स अपने चेंज कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर स्केल चेंज कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन की एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही हमारे ईयर्स ऑफ एजुकेशन इंक्रीज होते हैं, हमारी इनकम भी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे जो लाइन बनती है ना, ये हमारी लोअर एंड से हायर एंड की तरफ जाती है, लो से अपर साइड की तरफ ये ऐसे ड्रा हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी एजुकेशन ज़्यादा हो रही है, ये एजुकेशन लिखी है हमने 10 ईयर्स एजुकेशन, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स एंड 22 ईयर्स एजुकेशन। फिर जितनी ज़्यादा एजुकेशन हो रही है उतनी हमारी इनकम भी इंक्रीज हो रही है, 20,000, 60,000, 1 लाख एंड 1,40,000। तो एजुकेशन इंक्रीज हुई साथ साथ हमारी इनकम भी इंक्रीज हो गई। तो अक्सर लोग जो गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद पढ़ रहे होते हैं, वो बेसिकली उनको उस पे अलाउंस मिल रहे होते हैं, उनकी प्रमोशंस आ रही होती हैं, इंक्रीमेंट्स लग रहे होते हैं, तो उस एजुकेशन के साथ उनकी इनकम बढ़ रही होती है। सो द बेसिक पर्पज इज जस्ट टू इंक्रीज द इनकम जॉब उनके पास है। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि हम जितने ज़्यादा मैथ के लेसन्स हम छोड़ेंगे या उसमें एबसेंट होंगे, उतने ज़्यादा हमारे मैथ के स्कोर्स डिक्रीज हो जाएंगे। क्या हुआ, लेसन हम ज़्यादा हैं जिनको हम जिसमें हम एबसेंट्स हैं, एबसेंटीज ज़्यादा हो रही हैं और स्कोर्स हमारे डाउन हो रहे हैं, तो दैट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन। अब यहाँ पर इसका एक ग्राफ, इसको हम स्कैटर्ड चार्ट भी कहते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड प्लॉट या स्कैटर्ड ग्राफ या लाइन ग्राफ, जिसमें हम इस कोरिलेशन को शो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एबसेंटीज हमारे पास 16 है, मतलब शुरू में ही 16 एबसेंटीज हैं हमारे पास, हमने नॉर्मली तो हम यहाँ से शुरू करते हैं ना नीचे से, लेकिन ये नंबर ऑफ स्कोर्स क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोअर एंड से स्टार्ट होता है और हायर एंड की तरफ हम स्कोर्स को लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह एबसेंटीज भी लोअर से स्टार्ट होकर हायर की तरफ जाती हैं। अब स्कोर्स हमने लिए हैं 20 और हमारे पास एबसेंट लेसन कितने हैं, ऑलमोस्ट 14 और 16 के दरमियान में कहीं ये डॉट है, तो 15 हमने मैथ के लेसन स्किप किए, तो स्कोर्स कितने हैं 20। फिर इसी तरह यहाँ 40 पे अगर हम देखें तो 40 में हमने ऑलमोस्ट कोई 7 लेसन स्किप किए तो स्कोर्स आए 40, और बिल्कुल इसी तरह हम इन डॉट्स को लगाते जाते हैं और फिर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं उनकी, लोअर से हाई की तरफ स्केल को रखते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट या फिर स्कैटर प्लॉट कहते हैं। तो अब नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन मैथ्स लेसन जीरो हैं और आपके हाइस्ट स्कोर्स भी 80 से प्लस यहाँ पे जाके आएंगे, ऑलमोस्ट 82। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन की एक एग्जांपल आ गई कि ये कैसे प्लॉट बनता है और तो कैसे ड्रॉ करते हैं। पॉलीगॉन का तो समझ आ गया ना, ये जितने डॉट्स हैं उन डॉट्स को ही आपस में ज्वाइन करते जाना, वो पॉलीगॉन होता है। लेकिन ये जो स्कैटर प्लॉट है, ये इसमें हम डॉट्स ड्रॉ करते हैं लेकिन इसमें एक प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कोरिलेशन को शो करने के लिए, जो बताती है कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर कोरिलेशन और कॉजेशन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। कॉज का मतलब है कि हम अगर एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे इफेक्ट होना, यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि न्यूयॉर्क सिटी है, वहाँ पे वो लोग जो ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं वो ज़्यादा मर्डर करते हैं, तो आइसक्रीम और मर्डर का आपस में कोरिलेशन बनता है, या आइसक्रीम खाने की वजह से कोई मर्डर कर सकता है, ऐसा हो सकता है कि आइसक्रीम खाई और मर्डर कर दिया, नंबर ऑफ आइसक्रीम हमने ज़्यादा खाई तो उतनी नंबर ऑफ मर्डर्स भी हमारे पास ज़्यादा हो गए। सो अब क्या है कि डज दिस मीन दैट बाइंग आइसक्रीम इज डेफिनेटली द काज ऑफ इंक्रीज इन मर्डर्स, ऑफ कोर्स नॉट। व्हेन टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, स्पेशली टू वेरिएबल्स दैट आर एज कम्प्लेक्स एज द मेजर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर स्टडीड इन द सैम्पल एग्जाम्पल अबव। कोरिलेशन में टू वेरिएबल्स को आपस में कोरिलेट करना बिल्कुल इसी तरह है, इतना ही कॉम्प्लेक्स है जितना ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना एक कॉम्प्लेक्स मैटर है।
ह्यूमन बिहेवियर को हम इजीली स्टडी नहीं कर सकते, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। इसी तरह वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना, उनको आपस में रिलेट करना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इतना ईजी नहीं होता। और सोच समझ के लिटरेचर पढ़ के उस पर सारी स्टडी करके फिर हम वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब हम इन्हीं दोनों वेरिएबल्स को स्टडी करना चाहते हैं तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि कोई ऐसा वेरिएबल है जो आइसक्रीम और मर्डर के दरमियान एक कन्फाउंडिंग वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है। अब वो कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या हो सकता है, वो टेम्परेचर हो सकता है। हो सकता है कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है तो जो हम क्राइम कमिट करते हैं उनकी क्वान्टिटी भी इंक्रीज हो रही हो, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमें गुस्सा भी ज़्यादा आता है, गर्मी लग रही होती है, हम आसपास के लोगों पर गुस्सा कर रहे होते हैं, हो सकता है टेम्परेचर का इंक्रीज होना एक रीज़न हो। तो हम टेम्परेचर को एज अ मॉडरेटर या मीडिएटर वेरिएबल वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि लोग ज़्यादा पीपल आल्सो टेंड टू ईट मोर कोल्ड फूड्स लाइक आइसक्रीम, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए लोग ज़्यादा आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों रीज़न हो सकते हैं ना, कि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ जिसकी वजह से क्राइम्स कमिट हो रहे हैं, और कम टेम्परेचर ज़्यादा हुआ जिसकी वजह से हम कोल्ड फूड या आइसक्रीम ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये टेम्परेचर वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, या हम इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में इसको एज अ मॉडिफायर या मीडिएटर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर हम लोगों से पूछा जाता है इंटरव्यू में भी और एग्जाम्स में भी, इंटरव्यू में तो अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम्स में बहुत कम आता है, कि मीडिएटर और मॉडिरेटर में फ़र्क क्या होता है। मीडिएटर क्या होता है, मीडिएटर होता है कि दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखी उनमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम उनके दरमियान में मीडिएटर रख देते हैं। मीडिएटर क्या हमने रख दिया, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के आने की वजह से क्या हुआ कि उन दोनों वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन बन गया, दैट इज़ द मीडिएटर। दो वेरिएबल्स, मैं और आप एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन एक तीसरा बंदा दरमियान में आया जिसने हम दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवा दिया, दैट इज़ मीडिएटर। मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर होता है कि दो पर्सन आपस में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, उनकी हाउ नो है, लेकिन एक तीसरा बंदा आता है दरमियान में और वो किसी एक पर्सन के बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या नेगेटिव बातें बताता है एक दूसरे को। तो अब उसकी जो दरमियान में आके जो उसकी कम्युनिकेशन हुई, दो बंदों में तो ऑलरेडी रिलेशन है, लेकिन उसने आके दरमियान में जो भी कम्युनिकेशन की, अलग अलग की, एक पर्सन से अलहदा से कुछ कहा, दूसरे से अलहदा से कुछ कह दिया, अब क्या होगा उसकी बातों पे रिलाय करते हुए हम क्या करेंगे, जो दो पर्सन जिनका आपस में पहले से ही रिलेशन है वो रिलेशन या तो स्ट्रांग हो जाएगा या वीक हो जाएगा। सो बेसिकली ये मॉडरेटर होता है कि वो पहले से तो रिलेट करते हैं, लेकिन मॉडरेटर आके उस रिलेशन को स्ट्रांग या वीक कर देता है, और जो मीडिएटर होता है वो रिलेशन बना देता है, पहले नहीं होता लेकिन बाद में बना देता है, और मॉडरेटर स्ट्रांग या वीक कर देता है रिलेशन को जबकि रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आती है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ही एक ऐसी स्टैट्स होती है जिसमें हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हम जो भी रिजल्ट्स कंक्लूड कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे डाटा को और ये बिल्कुल एक्यूरेट है, उसकी बेस पे हम अपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारा किसकी बेस पे होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बेस पे होता है। अब इसमें ऐसा क्या होता है कि हम इसकी बेस पे ही अपने नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। अब हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं या रिजल्ट कंडक्ट करते हैं तो हमारी ज़्यादा कोशिश यही होती है साइकोलॉजिस्ट की कि हम उसके रिजल्ट्स को एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल पे हम उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकें, ठीक है, या वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन में या पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं हम उन पे इस डाटा को जनरलाइज कर सकें कि ये रिजल्ट सारे लोगों पे अप्लाई होते हैं। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो सारे इस तरह के, अगर उनका उनके साथ उनके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग हैं तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत पॉजिटिव उसमें डेवलपमेंट होती है, या बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी उन लोगों की होती है। तो ये रिजल्ट्स जो भी हम निकालते हैं उसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू उनको अप्रूव करते हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये हम पूरे पाकिस्तान के लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपने सैम्पल कलेक्ट कैसे किया है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। ये नहीं कि आपने अपने एरिया के लोगों से डाटा कलेक्ट किया या साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों से डाटा कलेक्ट किया, रिजल्ट तो सिग्निफिकेंट आ गए लेकिन आप कहते हैं कि ये जनरलाइज हो सकते हैं पूरी पॉपुलेशन पे, तो ऐसा भी नहीं है। सैम्पलिंग और पॉपुलेशन बहुत मैटर करती है इसमें। द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इन एन एक्सपेरिमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द सैम्पल, जो स्मॉल ग्रुप होता है, जो भी हम एक
अपनी डाटा कलेक्शन के लिए जो स्मॉल ग्रुप सेलेक्ट करते हैं उसको हम सैंपल कहते हैं, और जो लार्ज ग्रुप होता है जहाँ पे हम लोग अपने डाटा को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं वो पॉपुलेशन होती है। डाटा कलेक्ट सैंपल से करते हैं और जनरलाइज हम पॉपुलेशन पे करते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जो भी सैंपल कलेक्ट किया है वो उस पॉपुलेशन की एज अ होल करेक्टरिस्टिक्स को भी रिफ्लेक्ट करता हो, ठीक है। तो इसलिए हमें सैम्पल साइज रैंडमली सेलेक्ट करना चाहिए और मुख्तलिफ एरियाज से सेलेक्ट करना चाहिए ताकि हम उसको प्रॉपरली जनरलाइज कर सकें। सैम्पल साइज क्या होता है? सैम्पल साइज रेफर्स टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और इंडिविजुअल्स मेजर्ड, कि हमने सैम्पल साइज कितनी ऑब्जर्वेशंस हमने ली या कितने इंडिविजुअल्स हमने सेलेक्ट किए जिनके थ्रू हमने इस बिहेवियर को मेजर किया, दैट इज़ अ सैम्पल साइज। अब सैम्पल साइज को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से, समटाइम्स स्मॉल एन और कैपिटल एन दोनों लिखे होते हैं। अब ये क्या होता है, इन दोनों को कैसे हम बताएंगे? द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन द सैम्पल बीइंग स्टडीड, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स जिनको हमने स्टडी किया उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, एंड यहाँ पे स्मॉल एन भी होता है। द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन अ सब ग्रुप ऑफ द सैम्पल बीइंग स्टडीड, अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं उनको हमने फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया हुआ है तो अब हम उसको किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। समटाइम्स हम कहते हैं कि जो पॉपुलेशन साइज होता है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और जो हमारे पास सैम्पल साइज होता है उसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ऐसा भी है क्योंकि अगर आपके पास पॉपुलेशन नोन है, पाकिस्तान में इस वक्त कितनी पॉपुलेशन है, तो कैपिटल एन से हम उसको लिखेंगे, और उस पूरे पाकिस्तान से हमने कितने लोगों को सिलेक्ट किया है डिफरेंट एरियाज से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी सैम्पल साइज कलेक्ट करेंगे उसे स्मॉल एन से डिनोट कर देंगे। तो ये बेसिकली इन दोनों में फ़र्क है कि अगर पॉपुलेशन साइज और सैम्पल साइज, लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उनको आप डायरेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो वो कैपिटल एन से, अगर उन सब्जेक्ट्स में भी अगर आपने ग्रुप्स बना दिए, जैसे टोटल हमारे पास सैम्पल साइज है 100 का, उसको हमने कैपिटल एन से डिनोट कर दिया, अब उसमें हमारे पास दो तरह की फर्दर कैटेगरीज हैं, एक मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास सब ग्रुप्स बन गए, उन सब ग्रुप्स को मेल और फीमेल्स के अलग अलग ग्रुप्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, दैट फीमेल्स आर 50 एंड मेल्स आर आल्सो 50, देन दैट इज स्मॉल एन। अब इसके बाद जब हम सैंपल साइज हमने सेलेक्ट कर लिया तो अब हमारे पास क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर टूल्स फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, दैट इज द नल हाइपोथेसिस एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे आपने इन हाइपोथेसिस को जरा ध्यान में रखना है, ये बस एंड होने वाला है हमारा ये वाला टॉपिक, बस थोड़ा सा और आपको इसको सुनना है। नल हाइपोथेसिस में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइपोथेसिस है दैट आर ट्रीटमेंट हैड नो इफेक्ट इन एन एक्सपेरिमेंट, हमने जो भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हमने जो भी कंडीशंस रखी हैं या जो भी ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। कीप इन माइंड द हाइपोथेसिस क्योंकि नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे टाइप वन और टाइप टू एरर में। उसके बाद है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रहा है कि ट्रीटमेंट डिड हैव एन इफेक्ट, हम इस एक्सपेरिमेंट में जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं या जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में वेरिएशन कर रहे हैं उसका इफेक्ट है, दैट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के कोई इफेक्ट नहीं है और ऑल्टरनेटिव कह रहे हैं कि इफेक्ट है। हम हाइपोथेसिस किसी भी तरह से बना सकते हैं, नल को कुछ और कर दें, नल का मतलब नहीं है, ऑल्टरनेटिव का मतलब है, तो इसलिए हम नल हमेशा नल को नो से कर देते हैं, इसमें नो वाली बात आती है, ठीक है, तो ये ज़रा ज़्यादा ईजी रहता है। अब आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, नल मीन्स नो, कोई इफेक्ट नहीं है, और अल्टरनेटिव मीन्स है, हम लड़ बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब हमने इन सारी हाइपोथेसिस को सामने रखते हुए सैंपल साइज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम डिफरेंट तरह से हम उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, हम उस पर काई स्केयर लगा रहे हैं, रिग्रेशन लगा रहे हैं, कोरिलेशन में देख रहे हैं उनकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ जो स्टार, वन स्टार और टू स्टार लगे होते हैं। वन स्टार मीन्स सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल एंड 0.01 मीन्स सिग्निफिकेंट एट जीरो, मतलब जो टू स्टार्स होते हैं उसमें होता है 0.01, दैट मीन्स सिग्निफिकेंट एट 0.01, जो वैल्यूज़ हैं सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ वो 0.01 से कम हैं, दैट मीन्स कि ओनली 1% चांस इन आवर डाटा कि हमारा डाटा जो है वो 99% बिल्कुल ठीक है और उसमें जस्ट 1% चांस होगा एरर का,
या रिजल्ट बाई चांस अगर हुए होंगे, लेकिन 99% हमारा डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है। और 0.05 का मतलब है कि 5% चांसेस हैं हमारे डाटा में कि ये बाई चांस अगर हुआ होगा या फिर इसमें एरर हो सकता है, टाइप वन एरर। सो ये बेसिकली उन दोनों लेवल्स का मतलब होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है या जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू समझी जाती है वो है 0.05। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा सिग्निफिकेंट है या मोस्टली ज़्यादा सिग्निफिकेंट समझी जाती है। तो उसमें आपके पास वैल्यूज़ होती हैं 0.01 या फिर 5%, 10%, 1%, या फिर पॉइंट्स में वैल्यू दी होती है 0.05, 0.01, 0.001, 0.000। तो अब आपके पास जो आंसर है वो 0.05 है, क्योंकि 100% एक्यूरेट कोई नहीं होता। 0.00 का मतलब है 100% इज परफेक्ट, नो एनी चांस ऑफ बाय चांस सकरिंग एंड नो एनी चांस ऑफ एनी एरर। सो वो तो हो ही नहीं सकता ना। तो 0.05 से वैल्यू जो है या तो इतनी हो या फिर इससे कम हो, और 0.01 से ज़्यादा हो। सो दैट मीन्स दैट आवर डेटा इज वेरी परफेक्ट। ठीक हो गया, यहाँ पे हो गया इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट हैपनिंग बाय चांस इज लेस देन 5%। 0.05 का मतलब ये होता है। अब हमारे पास अगर आप कुछ चैट बॉक्स में लिख रहे हैं देन आई विल गिव यू द आंसर इन लास्ट, यू हैव टू वेट फॉर दैट। ओके, अब हमारे पास टू टाइप्स के एरर्स होते हैं जब हम किसी टेस्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं। एक होता है टाइप वन एरर और दूसरा होता है टाइप टू एरर। टाइप वन और टाइप टू एरर में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये क्या चीज़ें हैं। टाइप वन एरर का मतलब होता है फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, और टाइप टू एरर का मतलब होता है फॉल्स नेगेटिव। पहली तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। टाइप वन एरर मीन फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि वन एरर है तो पॉजिटिव कहेंगे, फॉल्स है लेकिन पॉजिटिवली फॉल्स है। टाइप टू एरर का मतलब है कि फॉल्स है लेकिन नेगेटिवली फॉल्स। एक तो टू एरर कर दिए इसमें और फिर जाहिर है नेगेटिव भी है और फॉल्स भी है। सो इनको इस तरह से आपने थोड़ा सा इनको रिजेम्बलेंस कर देना है। अब इस रिटर्न से तो आपको शायद इतनी समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको ज़रा इस नीचे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब जो पी वैल्यू होती है ना, जिसको हम अल्फा वैल्यू कहते हैं, पी वैल्यू कहते हैं, अल्फा वैल्यू जो होती है ना वो रिलायबिलिटी को भी शो करती है। दैट इज़ अल्फा वैल्यू इज दिस। अल्फा वैल्यू रिलायबिलिटी हमेशा 0.70 से ज़्यादा होगी तो अच्छी रिलायबिलिटी कंसिडर होती है। लेकिन जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं, पी वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर पी वैल्यू हमारे पास 0.05 है, दैट मीन्स कि जस्ट 5% या इससे भी कम चांसेस हैं हमारे पास टाइप वन एरर के। अब ये टाइप वन और टाइप टू एरर हैं क्या, पॉजिटिवली फॉल्स और नेगेटिवली फॉल्स हमने देख लिए। फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे लिखा है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, फेल टू रिजेक्ट द नल, ठीक है। हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात नहीं कर रहे, हम नल हाइपोथेसिस की बात कर रहे कि सबसे पहले हमने एक नल हाइपोथेसिस बनाया, हम उसको यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर रहे, और दूसरे नंबर पे हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। फिर हम ऊपर उसकी हेडिंग दे रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस ठीक है और कह रहे हैं नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, द नल इज ट्रू, द नल इज फॉल्स। अब क्या होता है, अगर नल हाइपोथेसिस ठीक है और हमने उसको रिजेक्ट भी नहीं किया तो इसका मतलब है हमारा डिसीजन ठीक है। डिसीजन क्या था हमारा, नल हाइपोथेसिस क्या था कि हमारी ट्रीटमेंट का एक्सपेरिमेंट या सब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो अब ये क्या था कि हमने कहा नहीं होता इफेक्ट, तो हमारा नल हाइपोथेसिस ठीक है और हमने इसको रिजेक्ट भी कर दिया, सॉरी एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है और हमने एक्सेप्ट कर लिया, और दैट इज़ द करेक्ट डिसीजन। ट्रीटमेंट की है उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया हमने, तो ये करेक्ट डिसीजन है। अब दूसरे नंबर पे क्या होता है कि हमारा नल हाइपोथेसिस ठीक है लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, हमारे रिजल्ट्स ऐसे आए हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं ट्रीटमेंट का इफेक्ट होता है आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो नल हाइपोथेसिस ठीक था लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया अपने डेटा सेट की बेस पे, अपने रिजल्ट्स की बेस पे या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बेस पे, पी वैल्यू की बेस पे, तो दैट मीन्स टाइप वन एरर। नल हाइपोथेसिस ठीक था, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, दैट इज टाइप वन एरर। अब हम आते हैं इस दूसरे कॉलम की तरफ। दूसरे कॉलम में हम कह रहे हैं नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है वही गलत है, लेकिन हमने उसको क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया। एक तो वो गलत बना हुआ है, दूसरा आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो दो गलतियां हो गई ना, एक तो गलत बना दिया, दूसरी तरफ आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, तो टाइप टू एरर हो गई। या तो वो गलत था और आप उसको रिजेक्ट कर देते, ठीक है, फिर तो ये ठीक हो जाए, फिर इसको हम कहते हैं करेक्ट डिसीजन है कि नल हाइपोथेसिस गलत था और हमने उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, तो दैट इज़ द करेक्ट डिसीजन ना।
अब वो बना भी गलत है और आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो दैट इज टाइप टू एरर। ठीक है, अब ये इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े ट्रिकी होकर आते हैं। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी होगी कि करेक्ट डिसीजन कब होता है और टाइप वन और टाइप टू एरर कब होते हैं। हाइपोथेसिस ठीक है, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, टाइप वन एरर, टाइप टू एरर, हाइपोथेसिस भी गलत था और आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, एक तो गलत है ऊपर से एक्सेप्ट कर दिया, तो दैट इज टाइप टू एरर। सो ये थी हमारी टोटल स्टैट्स, ये हमारी टोटल स्टैट्स इसमें आती है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, इसमें टाइप्स एरर कितनी टाइप्स की हो जाती हैं, और इसके बाद आते हैं हमारे पास एथिक्स इन रिसर्च। ये बेसिक टर्म्स हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म इज डिसेप्शन। एथिक्स होते हैं कुछ रिसर्च, कोई भी रिसर्च करने के, तो सबसे पहले डिसेप्शन एक टर्म है। उसके बाद डिसेप्शन में होता क्या है, हम यहाँ पर अपने पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा बाइसनेस यूज़ कर लेते हैं और हम उनको थोड़ा पार्टिसिपेंट्स को धोखा देते हैं या उनको नहीं बताते कि हमारी इस एक्सपेरिमेंट की नेचर क्या है या एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं। इसके एक एग्जांपल ये है, 1970s में स्टैनली मिलग्राम, एक बड़ा फेमस नाम है, आपने इसको याद रखना है, स्टैनली मिलग्राम ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें इसने डिसेप्शन यूज़ की थी, और ये कब किया था, 1970s में। अब इसमें एक ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट इसने चेक किया था जिसमें इसने क्या कहा कि कुछ पार्टिसिपेंट्स को कन्विंस कर लिया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक देने हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स को। अब उन पार्टिसिपेंट्स को यही पता था कि वो इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स को, लेकिन असल में क्या था कि वो असल में कोई शॉक नहीं दे रहे थे, और जो जिन पार्टिसिपेंट्स को शॉक देना था असल में उनको कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था और उनको बताया गया था कॉन्फिडेंस की नेचर का, कि कॉन्फिडेंस नेचर क्या होगी और आपको कोई शॉक नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपने ऐसा प्रिटेंड करना है कि आपको शॉक लग रहा है और आपको पेन हो रहा है, तो आपने ऐसा प्रिटेंड करना है। लेकिन एक्चुअल जो हमारे पास दो ग्रुप्स हो गए ना पार्टिसिपेंट्स के, एक वो जिनको हम कह रहे हैं शॉक दें, उनको लग रहा है कि वो शॉक दे रहे हैं, बताया भी ऐसा गया है कि इससे शॉक लगेगा, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उनको पता है कि शॉक एक्चुअल में नहीं लग रहा, लेकिन उनको प्रिटेंड करना है कि उनको शॉक लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पहला ग्रुप जो दे रहा है उनको ट्रू नेचर एक्सपेरिमेंट की ट्रू नेचर का नहीं पता, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उनको पता है। ठीक है, तो जो हमारे बेसिकली जो रियल पार्टिसिपेंट्स थे वो थे जो शॉक दे रहे थे। तो अब इसमें बहुत सारे लोगों ने इस पे एतराज़ किया और ये भी कहा कि ये जो भी स्टडी की गई है जो पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि उनको स्टडी की नेचर का नहीं पता था और उनको वही पता था कि जो वो कर रहे हैं, और अगर वो एक्चुअल में शॉक होता तो उससे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनको कुछ सीरियस हार्म भी हो सकता था, तो उन्होंने कहा कि ये जो भी इन्होंने स्टडी की है वो अनएथिकल है। तो अब इन सब चीज़ों को जो स्टैनली मिलग्राम ने 1970s में ये जो एक्सपेरिमेंट किया इसकी बेस पे एथिक्स बने थे रिसर्च के। उसके बाद उस टाइम से लेके एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने डेवलप कर दिया और ये श्योर कर दिया कि जो भी ट्रीटमेंट की जाएगी एनिमल्स या ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे, उन पे इन एथिकल कंसंट्रेशन को जहन में रखा जाएगा। ह्यूमन्स हैं तो उनके लिए क्या है और वुमेन्स हैं एनिमल्स हैं तो उसके लिए क्या है। अब उसके लिए उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स, ये एक ऐसा बोर्ड बना दिया जहाँ पे आप जो भी रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं उस वो सारे उस बोर्ड के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि दैट इट मीट्स ऑल एथिकल स्टैंडर्ड्स, कि ये जो भी रिसर्च करेंगे एथिकल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है या नहीं करती है। अगर वो मीट करती है तो उसको अलाउ कर देंगे, रिसर्च नहीं करती तो वो उनका जो भी प्रपोजल होगा रिसर्च का उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये किसके हाथ में होता है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स के हाथ में, IRBS, एब्रिवेशन भी पूछा जा सकता है, IRBS किसका एब्रिवेशन है, सो दैट इज इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। इसके अलावा ये भी सेट कर दिया गया कि इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, सबसे पहले तो आपका पार्टिसिपेंट आपके साथ काम करने के लिए एग्री होना चाहिए, अगर वो एग्री नहीं है तो वो इनकार कर सकता है, सो दैट इज इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। आप अपने पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म करें कि आपकी रिसर्च की नेचर क्या है, उसके बाद अगर वो आपके साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है देन ही और शी कैन पार्टिसिपेट, आप उसको फोर्सफुली अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म कॉन्सेंट। ठीक है, उसके बाद आता है डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग क्या है, डीब्रीफिंग ये है कि जो भी आपके पास आपकी रिसर्च का एक्चुअल पर्पस है रिसर्च का, या जो भी आपने डिसेप्शन अगर कोई यूज़ की है तो आपने उसको रिसर्च के एंड में आपने डीब्रीफ कर देना है अपने पार्टिसिपेंट्स को। ठीक है, आपके रिजल्ट का एक्चुअल पर्पस क्या था, अगर आपने कोई डिसेप्शन यूज़ की है तो उसका क्या मकसद था, तो ठीक है इस पूरी जो एक्सपेरिमेंट का जो भी प्रोसेस था, इसमें जो चीज़ें भी यूज़ की गई, डिसेप्शन अगर हमने यूज़ की तो वो क्यों की और इसको एक्चुअल पर्पस क्या था हमारी रिसर्च के, हमने किस तरह से कंडक्ट की, तो दैट इज़ द डीब्रीफिंग। अब होता है नेक्स्ट टर्म हम जो इसमें एथिकल कंसीडरेशंस में आती है जो अक्सर पूछी भी जाती है, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी।
आपने किसी पर्सन को भी परफॉर्मा दिया, उसमें आपने ऑप्शन दे दिए एज की या फिर नेम की, लेकिन आप साथ लिख देते हैं ऑप्शनल। अब उस पर्सन की मर्जी कि वो आपका नाम लिखे या ना लिखे। समटाइम्स वो आपको डाटा नहीं देते, राइट नहीं करते, वो कहते हैं कि आप हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर देंगे या हम जो भी लिखेंगे आप दूसरों को बता देंगे। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि आप हमें जो भी डाटा आप हमसे बात करेंगे इसमें जो भी लिखेंगे हम इसको जस्ट रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, आपका नाम कहीं पर भी रिवील नहीं होगा, हम इसका जिक्र कहीं नहीं करेंगे, दैट इज़ जस्ट द पर्पज ऑफ रिसर्च। इसके अलावा हम अगर क्लिनिकल सेटिंग्स में भी जाते हैं तो हम अपने पेशेंट की इस कॉन्फिडेंशियलिटी का हम उनको ट्रस्ट देते हैं कि आप जो भी हमें बात बताएंगे वो हम तक रहेगी, हम आपके घर वालों को नहीं बताएंगे। सो कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम तक महदूद है, हम इसको जस्ट आपको ठीक करने के लिए यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या आप दूसरों की इन्फॉर्मेशन को, नेम्स को, उनसे जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसको पब्लिक नहीं करेंगे। आपने जस्ट स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स निकालने हैं जिसमें उनकी इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे आ जाते हैं एथिकल कंसिडरेशंस कि हमें कौन कौन से एथिक्स को जहन में रखना होता है। तो ये हमारा स्टैट्स का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें आज हमने जो जो की टर्म्स पढ़ी उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने देखी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें थे मीन, मोड और बाई मोडल और मीडियन, देन नॉर्मल कर्व क्या होती है, रेंज, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, इसके अलावा इसमें मैंने लिखा नहीं कर्टोसिस के बारे में पढ़ा, तीन टाइप्स होती हैं कर्टोसिस की। फिर हमने वेरिएबिलिटी देखी, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, पीयरसन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सैंपल साइज, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्फा वैल्यूज, टाइप वन एरर, टाइप टू एरर, पी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमने एथिक्स देखे, रिसर्च में कौन से एथिक्स हैं वो टर्म्स हमने देखे, डिसेप्शन क्या है, स्टैनली मिलग्राम ने एक्सपेरिमेंट कब किया था, क्या एक्सपेरिमेंट था जिसके बाद ये एथिकल स्टैंडर्ड्स बने थे, कौन सा बोर्ड बना इसके लिए, ठीक है। कॉन्फिडरेट्स क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, इसका क्या पर्पस है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है, डीब्रीफिंग क्या है, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है। सो दीज आर द ऑल टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड इन दिस टॉपिक। इसके अलावा अक्सर क्वेश्चन होते हैं टी टेस्ट क्या होता है। टी टेस्ट होता है दो ग्रुप्स की मीन वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करके रिजल्ट निकालना, ठीक है। मीन वैल्यूज़ को कंपेयर करना, जिस ग्रुप की मीन वैल्यू ज़्यादा होगी और उसकी पी वैल्यू भी 0.05 या इससे कम होगी, दैट मीन्स के वो जो टी टेस्ट है ना वो उसके जो भी रिजल्ट आए कि मेल में एग्रेसिव लेवल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, तो हमारे पास मीन वैल्यूज आ जाती हैं टी टेस्ट में। दो ग्रुप्स हैं मेल और फीमेल्स, और जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं उससे पता लग रहा है कि मीन वैल्यू जो है वो मेल्स में ज़्यादा है और पी वैल्यू भी 0.05 से कम है, दैट मीन्स दैट अवर रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट, दैट हम जो एक्चुअल स्टडी कर रहे हैं वो वाकई मेल्स में एग्रेशन लेवल ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। सिग्निफिकेंस से पता लगे, और कैसे पता लगे मेल्स में ज़्यादा, उनकी मीन वैल्यू से, ठीक है। इसी तरह रिग्रेशन अगर हम लगाते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कितना इफेक्ट है, तो हमारे पास एक आर स्क्वायर वैल्यू आती है, वो आर स्क्वायर वैल्यू होती है 0.42, दैट मीन्स कि इनडिपेंडेंट वेरिएबल 42% इफेक्ट कर रहा है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। 42% उसका इफेक्ट है दूसरे वेरिएबल पे, तो जो आर स्क्वायर वैल्यू होती है रिग्रेशन में हमारे पास आती है वो बेसिकली इसको इंडिकेट करती है कि कितने परसेंट इफेक्ट है। इफेक्ट तो है क्योंकि वो हमें सिग्निफिकेंट वैल्यू से पता लग जाता है वो 0.5 से अगर कम होगी तो, और कितने परसेंट इफेक्ट है ये भी हमें आर स्क्वायर की वैल्यू से पता लगता है। अब अनोवा क्या होता है, अनोवा होता है जब हम टी टेस्ट में हमारे पास क्या थे, दो ग्रुप्स है, अगर ग्रुप्स दो से ज़्यादा हो जाएं तो फिर हम अनोवा लगाते हैं, अनोवा टेस्ट, ठीक है। अनोवा के अंदर भी फर्दर हमने किस ग्रुप में कौन सी चीज़ ज़्यादा है उनकी आपस में फर्दर एक कोरिलेशनल सा टेबल बन जाता है जिसको हम पोस्ट हॉक कहते हैं, तो अनोवा के साथ मस्ट है कि पोस्ट हॉक का टेबल भी बनेगा अगर रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं। और इसमें यह भी बात याद है कि जब हम टी टेस्ट लगाते हैं तो हमारे ग्रुप्स के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है ना वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। अगर एक ग्रुप फीमेल्स हमारे पास 70 हैं और मेल्स हमारे पास 30 हैं, देन वी कॉन्ट कंपेयर द ग्रुप्स ना। तो टी टेस्ट के लिए ये हम अक्सर यही करते हैं गलती, और हम जब वाइवा में या कहीं और जाते हैं तो हम वहाँ पे फंस जाते हैं कि हाउ यू कैन कंपेयर द ग्रुप, इधर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर नॉट सेम, तो आपने कैसे कंपेयर कर लिया, तो ये रिजल्ट्स कैसे सिग्निफिकेंट हो गए, दैट मीन्स आपने कुछ गड़बड़ की है डाटा के अंदर, ठीक है। सो ये टी टेस्ट और अनोवा टेस्ट लगाने के लिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का इक्वल होना या एटलीस्ट उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्मॉल हो, बहुत ज़्यादा ना हो, तो फिर क्या होता है कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं। अब अनोवा लगा रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हैं 3, अब हमारे पास हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग 5 हैं,
मिडल के बहुत ज़्यादा हैं, लो के भी थोड़े से ठीक हैं, तो फिर वहाँ पे अनोवा भी नहीं लगता, वो भी कह देते हैं कि मैं मेरा जवाब है आपके तो ग्रुप के जो साइज़ है वही सेम नहीं है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं हमारी स्टेट के अंदर। अच्छा हाँ, जब हम केस स्टडीज़ करते हैं ना, तो केस स्टडीज़ में अब हमारे पास दो तरह का डाटा होता है, इसको आपने याद रखना है। एक तो हो गया एनेक्डोटल। एनेक्डोटल का क्या मतलब है कि हम जो भी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं वो किसी एक के अपने एक्सपीरियंस की बेस पे हैं, वो सारे जो भी एविडेंस हैं कि एक बंदे ने जो भी एक्सपीरियंस किया उसकी बेस पे वो आपको सारे एविडेंस दे रहे हैं। कि जो औरतें होती हैं ना वो हार्श ड्राइव करते हैं, उनके एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा ज़्यादातर औरतों के जो हैं वो एक्सीडेंट्स होते हैं जो ड्राइव कर रही होती हैं। लेकिन ये सब उसकी अपनी बातें, उसके अपनी एक्सपीरियंस बेस की बात है जो उसने बताई आपको, तो इसे हम कहते हैं एनेक्डोटल एविडेंस। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिकल बेस पर डाटा कलेक्ट करते हैं मेल और फीमेल ड्राइवर से, किसके कौन से एक्सीडेंट हुए, कहाँ पे हुए, किस लेवल का हुआ, कितना हार्म हुआ, तो वहाँ पे हम एक प्रॉपर क्वेश्चनेयर सारा फिलअप करवाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल एविडेंस। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के एविडेंस होते हैं। एक एनेक्डोटल एविडेंस जो कोई किसी एक बंदे के अपने एक्सपीरियंस की बेस पे होते हैं सारे, वो एविडेंस होते हैं। और दूसरे स्टैटिस्टिकल एविडेंस होते हैं जो ज़्यादातर स्टैट्स पे बेस कर रहे होते हैं, हमारे पास उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ या न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। सो ये दो तरह के एविडेंस होते हैं केस स्टडीज़ में, इनको आप याद रखिएगा, एनेक्डोटल एंड स्टैटिस्टिकल। एनेक्डोटल किसी के एक्सपीरियंस की बेस पे होते हैं और स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल बेस पे होते हैं, स्टैटिस्टिकल बेस्ड होते हैं। ओके, अब मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। उसके बाद किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मैम ये स्टैटिस्टिक्स के कितने क्वेश्चंस आने हैं? स्टैट्स के ऑलमोस्ट दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूरा चैप्टर है इसमें, हमारे पास चार क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं, दो रिसर्च से रिलेटेड और दो स्टैट्स से रिलेटेड, अब वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो उसके लिए ये बेसिक मैथ हमने पढ़ी है जो आनी चाहिए सबको। मैम डिफरेंसेस रिपीट कर दें प्लीज़, किसके डिफरेंसेस पूछें आपने ब्लूबर्ड? अच्छा क्लियर हो गया, डिफरेंस ज़्यादा डाटा में तभी पीक। समझ ही नहीं आई ऋषि आपने क्या लिखा। ओके ब्लूबर्ड कह रही है स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंस है दोनों में ज़्यादा, तो आप लोग आपस में बात कर रहे हो। इज नॉट विद स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड विद लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्स्ट विद स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड विद लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन। आई थिंक ये मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी कि स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो किटोसिस कैसा होता है और लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो किटोसिस कौन सा होता है और उसको क्या कहते हैं। ओके मुजम्मी कह रहे हैं नो मैम अबाउट वाट, ऋषि कह रही है ड्रग्स वाली आइसक्रीम भी हो सकती है, ड्रग्स वाली आइसक्रीम खा के बंदा बेहोश होगा ना के मर्डर करेगा। मैम व्हाट वाज द पर्पस ऑफ स्टेनलेस मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट, वो जस्ट देख रहा था कि ओबीडियंट कितने हैं आपके पार्टिसिपेंट्स ना, आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो गए हैं, दूसरा आपके जिनको आपने बता दिया सारा और जिनको नहीं बताया, एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स तो वो थे जिनको नहीं बताया गया कि वो शौक नहीं दे रहे एक्चुअल में, लेकिन उनको बस ये पता था कि वो शौक दे रहे हैं और शौक लग भी रहा है, वो जैसे ओबीडियंस लेवल चेक कर रहे थे अपने पार्टिसिपेंट्स का। और उसमें यहाँ पे जब इस पर बात हुई कि ये तो हार्म कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल्स को, उनकी फीलिंग और इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, तो फिर ये एथिकल स्टैंडर्ड्स बने थे इसकी स्टडी के बाद। तो इसी तरह छोटे छोटे नाम हर चैप्टर में आते जाएंगे जिनको हम उनके साथ साथ याद करेंगे, तो सबको हम इसीलिए हिस्ट्री में नहीं पढ़ते क्योंकि वो याद नहीं रहते। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके नाउ ऑल दैट इज़ क्लियर। आई होप कि अब स्टैट ज़्यादा मुश्किल नहीं रही होगी आप सबके लिए। कल इंशाल्लाह मिलेंगे हम इसके टेस्ट के साथ, सो बी प्रिपेयर्ड। प्लीज ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर द वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।